नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा। चोराटा से रतहरा तक बन रही मॉडल सड़क का हाल किसी से छिपा नहीं है। 15 किलोमीटर की सड़क पिछले 20 वर्षों से बन रही है। विकास की गंगा बहाने का वादा करने वाले नेता और अधिकारी अपनी तिजोरी भरने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। इन दिनों मॉडल रोड खाई बन गई है। सड़क में जगह जगह वाहन फंसे रहते हैं। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस मरीजों को लेकर घंटों जाम में फंसी रहती है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। उक्त सड़क को लेकर किसान नेता सुब्रतमणि त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा है। किसान नेता ने कहा है कि देश की जनता रोड टैक्स दे रही है, टोल टैक्स दे रही है, इसके बाद भी उसे सड़क नहीं मिल पाई। यह हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। किसान नेता ने मांग की है कि रीवा जिले में वर्षों से निर्माणाधीन चोराटा से रतहरा तक मॉडल सड़क का निर्माण गुणवत्तापूर्ण तत्काल कराया जाए। किसान नेता ने मांग की है कि पिछले 20 वर्षों से कितने बार इस सड़क का टेंडर हुआ है, निर्माण एजेंसी कौन थी, किन शर्तों में निर्माण हुआ, यह सड़क नेशनल हाईवे में थी उस समय कितने बार बनी और फिर कब PWD के अंतर्गत आई, उसके बाद इसकी लागत क्या थी और इसके बाद फिर मॉडल सड़क के नाम पर कितने का टेंडर हुआ, निर्माणाधीन दर्जनों एजेंसी का निर्माण ठेका किन शर्तों और किन महीनों में सड़क का निर्माण होना था, इन सब की जांच कराई जाए। आपको बता दें कि यह सड़क नेता और ठेकेदारों के लिए दुधारू गाय साबित हो रही है। वोट लेकर सत्ता में बैठने वाले लोग जनता की समस्या को दरकिनार कर अपनी तिजोरी भरने में लगे हैं। आइए आपको सुनाते हैं किसान नेता ने क्या कहा। आज हम माननीय कमिश्नर साहब से मिलने आए थे। आप देख रहे हैं कि रीवा से रतहरा मॉडल सड़क का नाम दिया गया है। 4-6 सालों से बन रही है सड़क, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, धूल है, डस्ट है, और आप देख रहे हैं जो चैम्बर बनाए गए हैं वो चैम्बर पूरी तरह से खुले हैं। तो आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय नितिन गडकरी जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है कि 20 सालों में जब ये नेशनल हाईवे में थी तब से लेके आज तक कितनी बार टेंडर हुए हैं, किस ठेकेदार ने इस रोड को बनाया है, अभी वर्तमान में किसके नाम टेंडर है, और हमारे यहाँ के जिला प्रशासन क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता। धूल डस्ट से लोग मर रहे हैं, जाम से रेवांचल से लेके कई गाड़ियां छूट रही हैं, एम्बुलेंस फंस रही हैं, लगातार दुर्घटनाएं घट रही हैं। अभी 2-3 दिन पहले सुअर से टकरा जाने के बाद से 2 बेटियां और 1 बेटा घायल हो गया। लगातार पशु धन भी की हानि हो रही है और लगातार मौतें हो रही हैं, और जो चैम्बर खुले हुए हैं अगर उन चैम्बरों में कार्रवाई नहीं की गई तो इसमें से भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं हम पर्यावरण, अपने यहां के पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड रीवा से मांग करते हैं कि आप इसकी जांच करवाइए। हवा में क्या हवा सांस लेने लायक है, यहां पे धूल से लोग परेशान है जो मोटरसाइकिलों से चलते हैं। तो हमने प्रधानमंत्री जी से मांग की है, माननीय नितिन गडकरी जी से हमने ये ज्ञापन भेज के मांग की है कि एक उच्च स्तरीय दल, केंद्रीय दल भेजिए, इस सड़क निर्माण की जांच करवाइए, दोषी अधिकारियों से लेकर ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इस रोड को तत्काल बनाया जाए। ये रोड आखिर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता, समझ से परे है कि हमें तो यह लग रहा है कहीं ना कहीं ये राजनीतिक संरक्षण के कारण हमारे यहाँ के प्रशासन के लोग भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते और आम आदमी मौत के मुंह में जा रहे हैं। एक बार हम लोगों ने इसके लिए हाईवे जाम किया था तो हमारे ऊपर बाबा डेडू जी के ऊपर और चंद्रमणि शुक्ला जी के ऊपर यहाँ पे मुकदमे लगा दिए गए थे इस रोड के निर्माण के लिए। तो जब आम आदमी रोड में आता है और कहता है कि ये रोड बननी चाहिए तो उसके ऊपर मुकदमे लगा देंगे, और ठेकेदारों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करते, ये समझ से परे है। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए, जो चैम्बर खुले हैं उन चैम्बरों को ढका जाए, जो भी दोषी उनको दंडित किया जाए, ठेकेदार से लेकर कर्मचारी तक। रोड है रतहरा से चुरहटा मॉडल रोड, 20 साल से सर बन रही है, लगातार लोग बाग जाम में फंस रहे हैं, धूल है, डस्ट है, 20 साल में निर्माण कार्य में कितना खर्च किएगा, और एमा आवे जो बना आवे टेंडर के नाम है, एमा कार्यवाही प्रशासन हमारा नहीं कराता है। तो हम प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के नाम यह ज्ञापन दे रहे हैं कि एमा सख्त कार्यवाही की जाए, लोगों का जाम से और डस्ट से छुटकारा दिलवावा जाए और एमा ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।